बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आइए आज हम एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए आज हम उनको एग्जांपल को करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो एग्जांपल्स है आज हम उनको सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है, एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 19 पे है आपकी बुक पे। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जस्ट इस एग्जाम्पल के 4 पार्ट्स हैं, 1 by 1 हम तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट पार्ट ए में आपको कॉर्ड क्वेश्चन दी हुई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले कॉर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, फिर हम एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट यानी कि इनके कोफिशियंट्स हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ देखें हेयर के जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो कि 2 है उसको हम ए कहेंगे, और कोफिशियंट ऑफ एक्स जो कि -7 है इसको हम बी का नेम देंगे, और जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मीन ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसे हम सी कहेंगे। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे कि नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में हम बी ए सी की वैल्यूज पुट करेंगे, तो डी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी इज -7, बी है स्क्वायर तो -7 का भी स्क्वायर आएगा, 4ac मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ac की जगह जो वैल्यूज पुट करेंगे राइट करेंगे वो भी मल्टीप्लाई होगी, -4 वैल्यू ऑफ a इज 2 इनटू वैल्यू ऑफ c इज 1, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -7 स्क्वायर 49, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, 4 2s are 8, 8 1s are 8, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 49 minus 8 41। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट समझ लग चुका होगा, आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट बी, एक्स स्क्वायर -3x + 3 = 0। अगेन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, वरना वो रॉन्ग होता है। तो पहले हम कोफिशिएंट्स हासिल करते हैं, तो हेयर मीन इन दिस इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको हम ए कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसको हम बी कहेंगे जो कि -3 है, कॉन्स्टेंट जो कि 3 है इसको हम सी का नेम देंगे। ए बी सी जो कि कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको हासिल करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट करेंगे। तो नौ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी, के डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब हम इस फार्मूले में ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी -3, बी है स्क्वायर तो -3 का भी स्क्वायर होगा, वैल्यू ऑफ ए इज 1 तो यहाँ हम 1 राइट करेंगे, वैल्यू ऑफ सी इज 3 तो यहाँ हम 3 राइट करेंगे, -3 square 9 तो डी इज इक्वल टू 9, -4 1s are 4, 4 3s are 12 तो -12 तो डी इज इक्वल टू 9 minus 12 -3। ये देखें स्टूडेंट हमने रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस पार्ट को भी समझ चुके होंगे, आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर टू पेज नंबर 19। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल की अगर स्टेटमेंट आपके सामने है तो उसमें क्या कहता है कि पहले आप डिस्क्रिमिनेंट की मदद से इसकी रूट्स की नेचर के बारे में बताएं, बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी प्रिडिक्शन जो आपने की है उसको वेरीफाई करें। फिर सुन लीजिएगा स्टूडेंट कि डिस्क्रिमिनेंट्स की मदद से पहले बताएं रूट्स कैसी होंगी, ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस चीज़ को वेरीफाई भी करें। स्टूडेंट सबसे पहले आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए जो कि है, तो यहाँ से हम जो है वो कोफिशेंट्स हासिल करते हैं। ए क्या है स्टूडेंट, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स। एंड सी क्या है जी, कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है जी, कांस्टेंट टर्म है। ए बी सी की वैल्यूज हासिल करने के बाद अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट करेंगे और वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी कितनी है, माइनस फाइव होल स्क्वायर फोर। ए कितना है स्टूडेंट, वन है। एंड सी कितना है जी, वो फाइव है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, बी ए सी की वैल्यूज पुट की, माइनस फाइव स्क्वायर प्लस 25, फोर वन जार फोर, फोर फाइव जार 20। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू फाइव। देखिए स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी क्या है कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स इक्वल अनइक्वल होती हैं और रियल होती हैं। तो रूट्स होती हैं कि रूट्स आर रियल होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, और अनइक्वल भी होती हैं। एंड स्टूडेंट ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगी जी आपकी, जी वो रैशनल होंगी। रूट्स क्या होंगी आपकी, रैशनल होगी। आइए अब हम इस चीज़ को जो हमने रूट्स के बारे में कह दिया है इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं। नौ अब क्या करेंगे जी, दे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है मगर इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, इसके पेयर्स नहीं बन रहे, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए वन है, बी माइनस फाइव है और सी फाइव है, और ऊपर भी ये वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। अब आप इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करें, एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी इज माइनस फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर। ए कितना है, वो वन है। सी कितना है, वो फाइव है। सी कितना है, फाइव ओवर टू। वैल्यू ऑफ ए कितनी है जी, वन। तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस माइनस माइनस फाइव स्क्वायर 25। फाइव वन जार फाइव, फाइव फोर जार 20, टू वन जार टू। एक्स इज इक्वल टू फाइव
प्लस माइनस 25 माइनस 20 तो ये 5/2। देख लें स्टूडेंट्स कि हमने कहा था हमारी रूट्स रियल होंगी, देख लें हमारे रूट्स रियल ही हैं। रियल से मतलब कि आपकी एक्स की वैल्यू में आयोटा ना आए, ना स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव आए। अनइक्वल देखें, एक वैल्यू प्लस वाली है, एक माइनस वाली है, टू वैल्यूज हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं। तो रैशनल देखें, अब ये रैशनल ही है ऐसे, सॉरी क्या जगह, सॉरी ये स्टूडेंट यहाँ हमने बात गलत कर दी, यहाँ पर इरेशनल आना था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या आना था जी, इरेशनल, क्योंकि डी परफेक्ट स्केयर नहीं है तो रूट्स स्टूडेंट इरेशनल होंगी, रूट्स क्या होंगी, इरेशनल। तो देख लें, देखिए हमने यहाँ मिस्टेक की, हमें यहाँ पता लग गया। तो देख ले, फाइव स्केयर रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, स्केयर रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। देखें तीनों जो बातें मैंने कही थी मैंने वेरीफाई कर दी, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ लग चुकी होगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी स्टूडेंट। एग्जांपल टू का पार्ट बी है, यहाँ भी आपने पहले बताना है कि रूट्स किस तरह की होंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, देन आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जो कि है। अब यहाँ से हम कोफिशियंट्स हासिल करेंगे, तो हेयर कोफिशियंट्स मीन के वैल्यूज ऑफ ए बी और सी। तो वैल्यू कोफिशियंट ऑफ एक्स के टू, तो ए इज टू, बी क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स जो कि माइनस वन है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि स्टूडेंट्स वन है। इस इक्वेशन से मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू, अब हम इस फार्मूले में ए सी बी की वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ बी इज माइनस वन एंड इट्स स्क्वेयर माइनस फोर, वैल्यू ऑफ ए इज टू एंड वैल्यू ऑफ सी इज वन। इस स्टेप में मैंने क्या किया, ए बी सी की वैल्यूज पुट की। डी इज इक्वल टू, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस वन स्क्वेयर वन स्क्वेयर माइनस को खत्म कर देता है, माइनस फोर टू जार एट, एट वन जार एट, तो डी इज इक्वल टू वन माइनस एट माइनस सेवन। स्टूडेंट डी आपका एक नेगेटिव नंबर आया है, तो जब डी नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होती हैं, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयरफॉर रूट्स होंगी आपकी इमेजिनरी, इमेजिनरी भी कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, इमेजिनरी भी कह सकते हैं या हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब हम अपने इस आंसर को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे। नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट कि इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, यानी ये फैक्टराइज नहीं हो रही, तो इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म आएंगे। बट यहाँ पर अगेन हम वैल्यूज ऑफ ए एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी कोफिशियंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट सी हमने निकाल लिए हैं, ऊपर भी ये हमने निकाले हुए हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। अब ए बी सी की वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ बी इज
माइनस वन प्लस माइनस वैल्यू ऑफ बी इज माइनस वन स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ए टू है सी वन है, ए टू एंड सी वन ओवर टू, ए कितनी है, ए की वैल्यू स्टूडेंट वो भी टू है। मैंने इस टाइप में क्या किया, ए बी सी की वैल्यू लिखी। अब मैं इनको सिंपलीफाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस वन के प्लस वन, माइनस फोर टू जार एट, एट वन जार एट ओवर टू टू जार फोर इज इक्वल टू वन प्लस माइनस स्केयर रूट वन माइनस एट माइनस सेवन ओवर फोर। तो देख लें आपकी डी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, के सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आई है, चेक कर लें कि वो नेगेटिव आई है। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो क्या होती हैं, रूट्स इमेजिनरी होती हैं या वो कम्प्लेक्स होती हैं, और हमने पहले कह दिया है। देखें जो आंसर हमने दिया था हमने उसको इक्वेशन को सॉल्व करके उसको वेरीफाई कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बात वेरीफाई हो गई है कि रूट्स वाकई इमेजिनरी होंगी। जब एक्स की वैल्यू में स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या होती हैं, इमेजिनरी। तो जो बात हमने कही थी रूट्स के बारे में, इक्वेशन को सॉल्व करके हमने उसको वेरीफाई कर दिया है, तो हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो बात कही थी वो हमने वेरीफाई कर दी। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल की समझ लगी होगी, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल टू का पार्ट सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको भी हम क्या करेंगे कि पहले प्रिडिक्शन करेंगे रूट्स किस तरह होंगी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देन इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करें आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप जो है ए बी और सी की वैल्यू हासिल करें। ए क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, और बी क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन डिस्क्रिमिनेंट, बी कितना है एट स्क्वेयर माइनस फोर, ए कितना है वन, सी कितना है माइनस सिक्सटीन, सी कितना है माइनस सिक्सटीन। तो डी इज इक्वल टू स्टूडेंट डी कितना है माइनस सिक्सटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। स्टूडेंट्स इट्स ओके, स्टूडेंट यहाँ पॉजिटिव है तो हम यहाँ पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट एट स्क्वेयर सिक्सटी फोर, एट स्क्वेयर सिक्सटी फोर, सिक्सटीन वन जार सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जार सिक्सटी फोर। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू स्टूडेंट ये आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया है तो एज देखें, जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो देयर फोर रूट्स क्या होंगी, देयर फोर रूट्स विल बी, रूट्स होंगी आपकी रियल होंगी, इक्वल होंगी और रैशनल भी होंगी। उसकी वजह क्या है कि जीरो जीरो का परफेक्ट स्क्वेयर है, जीरो जीरो का परफेक्ट स्क्वेयर है। देखो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया है तो रूट्स रियल होंगी, इक्वल होगा, और जीरो जीरो का परफेक्ट स्क्वेयर है तो रूट्स रैशनल भी होगी। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे, तो नो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ें, एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। जी स्टूडेंट इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, फोर एंड फोर बनेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स,
प्लस 16 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x से एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x प्लस 4। अगेन 4x प्लस 16 से 4x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अगेन स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 4। अगेन कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 4। x प्लस 4 आपने कॉमन लिया, स्टूडेंट यहां 4 कॉमन आ था, x प्लस 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 4, ये x और ये 4। x प्लस 4 कॉमन लेने के बाद x प्लस 4 बचा इक्वल टू जीरो। x प्लस 4 को भी इक्वल टू जीरो करेंगे और सेकंड फैक्टर x प्लस 4 को भी इक्वल टू जीरो करेंगे। शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं। स्टूडेंट देखें, हमने कहा था हमारे रूट्स रियल होंगे, तो देखें x की दोनों वैल्यूज जिनको रूट्स कहते हैं रियल ही हैं, क्योंकि कौन सा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया है या आयोटा आया है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए या आयोटा आए तो हम कहते हैं रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया, आयोटा भी नहीं आया, तो रूट्स रियल है, हमने यही कहा था। इक्वल देखिए, दोनों रूट्स एक जैसी हैं, माइनस फोर इक्वल। फिर मैंने बोला रैशनल, कोई नंबर ना हो तो डिनोमिनेटर में वन होता है तो रैशनल। देखिए जो मैंने बात कही थी, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई कर दिया, जो मैंने बात कही थी मैंने इस इक्वेशन को कह के उसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी, जो बातें मैंने कही थी वो मैंने सॉल्व कर दी हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड, मैंने जो अपनी कहा था रूट्स के बारे में इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने वेरीफाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समय लग चुकी होगी। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल टू का पार्ट डी है, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। कैसे पता लगा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, हाईएस्ट पार्ट टू है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर इसकी रूट्स के बारे में बताएंगे, फिर अपने बताई हुई बात को इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई भी करेंगे। तो स्टूडेंट यहां देखें, हेयर और से देखिएगा कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको ए कहते हैं वो 7 है, कोफिशियंट ऑफ एक्स जिसको हम बी कहते हैं वो 8 है, कांस्टेंट जिसको हम सी का नेम देते हैं वो 1 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम बी ए सी की वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ बी 8 होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ ए एंड सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए 7, वैल्यू ऑफ सी 1। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, इस स्टेप पे मैंने क्या किया, बी ए सी की वैल्यू पुट की है। अब मैं इनको सिंपलीफाई करूंगा, 8 स्क्वायर 64, 7 फोर्स आर 28, 28 वन्स आर 28, डी इज इक्वल टू 14 माइनस 8 6, 5 माइनस 2 3। स्टूडेंट फिर सुन लीजिएगा कि बात सुन लीजिएगा स्टूडेंट कि 64 में से आपने 28 को माइनस करना है तो ये 36 आएगा। स्टूडेंट अब आप देखें 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, स्टूडेंट 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आया है और परफेक्ट स्क्वायर भी आया है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है परफेक्ट स्क्वायर भी है,
तो फिर रूट्स क्या होंगी? रूट्स विल बी, रूट्स क्या होंगी? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगी? रियल होंगी। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स रियल भी होंगी, अनइक्वल भी होंगी। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, नॉट रिपीटिंग के मेनू में आता है। और परफेक्ट स्क्वायर है एंड रैशनल, एंड रैशनल। देखें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की वजह से रूट्स रैशनल होंगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी। और अनइक्वल क्या है? डी पॉजिटिव है। रियल क्या है? डी पॉजिटिव है। आइए हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। नाउ स्टूडेंट देखिएगा कि 7x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, ऐसे टू फैक्टर्स लें जिनको मल्टीप्लाई करें 7 आए, प्लस करें तो 8 आए, आई थिंक 7 और 1 है। तो ये 7x² प्लस 7x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 7x² प्लस 7x से 7x कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 1 से स्टूडेंट कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन ना हो तो ये 1 होता है, इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगेन आपका x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अगेन आपका x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 1 कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 7x प्लस 1, 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 को राइट में ले जाएं तो x इक्वल टू माइनस 1, 1 को राइट में ले जाएं x इक्वल टू माइनस 1, 7 माइनस 1 को डिवाइड करेगा तो x की टू वैल्यूज आ गई हैं, एक ये वाली वैल्यू स्टूडेंट और ये सेकंड ये। तो स्टूडेंट देखें माइनस वन एंड माइनस 1/7। हमने कहा था रूट्स रियल होंगी, चेक कर ले रूट्स रियल हैं, इनके साथ आयोटा नहीं आया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया, रूट्स है रियल, वेरीफाई हो गया रियल। अनइक्वल देखो रूट्स, दोनों रूट्स स्टूडेंट अनइक्वल हैं, दोनों वैल्यूज ऑफ एक्स डिफरेंट हैं। रैशनल क्या है? दोनों फ्रैक्शन में है, 1/7 फ्रैक्शन में यानी रैशनल। तो देखिए -1/1 को भी 1 कर सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर। तो तीनों बातों वेरीफाई हो गई है, रियल भी हैं अनइक्वल भी हैं, चेक कर लें दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, रैशनल भी हैं, दोनों फ्रैक्शन में भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट मैंने अपनी बात वेरीफाई कर दी, hence verified। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ लग चुकी होगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 21, आपने के फाइंड करना है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो रूट्स हैं वो स्टूडेंट इक्वल हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के प्लस 3x² माइनस 2 × k प्लस 1 एक्स माइनस के प्लस 1, इसकी रूट्स उसने बता दिया है इक्वल हैं, ये गिवन है स्टूडेंट, ये चीज हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं और हमने के फाइंड करना है। जब रूट्स इक्वल होती हैं तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, आपको पता है, काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, फुल एक्सरसाइज 2.1 भी कर ली, एग्जाम्पल्स भी कर ली, लास्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो लेक्चर नंबर 1 लाजमी देखेगा इस एक्सरसाइज 2.1 का, तो उसमें देखें डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है कब? जब रूट्स इक्वल होती हैं, ये हमें बता दिया है और हमने के फाइंड करना है। ये काम सारा डिस्क्रिमिनेंट से होगा, डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे उसको, उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, के में इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करेंगे तो के की टू वैल्यू आएगी। आइए स्टूडेंट पहले हम निकालते हैं कि वैल्यू ऑफ ए बी सी,
ए क्या है स्टूडेंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स के है, जो के है के प्लस थ्री। बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, जो के माइनस टू इंटू के प्लस वन है। सी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है जी कांस्टेंट, इसको ऐसे भी ले सकते हैं माइनस के माइनस वन। सी क्या है कांस्टेंट माइनस के इंटू के प्लस वन, इसको ऐसे भी ले सकते हैं माइनस के माइनस वन। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी ए सी, वैल्यू ऑफ बी माइनस टू इंटू के प्लस वन माइनस टू इंटू के प्लस वन एंड स्क्वायर, बी के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर बी स्क्वायर आएगा। ए एंड सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए और सी की जगह जो वैल्यूज पुट करेंगे वो भी मल्टीप्लाई होगी। वैल्यू ऑफ ए कितना है के प्लस थ्री, वैल्यू ऑफ सी कितना है माइनस के माइनस वन। इस स्टेप में मैंने क्या किया, बी ए सी की वैल्यू पुट की, तो डी इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस टू का भी है और के प्लस वन का भी है, माइनस टू स्क्वायर फोर। के प्लस वन का स्क्वायर ओपन करें, के स्क्वायर जैसे आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, याद हो तो स्टूडेंट क्या था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो के प्लस वन का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन माइनस फोर। के को माइनस के माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, के इंटू माइनस के स्क्वायर, के इंटू माइनस वन माइनस के, थ्री इंटू माइनस के माइनस थ्री के, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री। स्टूडेंट इस टर्म से और इस टर्म से फोर कॉमन आ रहा है, इस टर्म से और इस टर्म से फोर कॉमन आ रहा है, तो डी इक्वल टू पहले कॉमन लिखें स्टूडेंट, पहले कॉमन लिखें फिर इस एक्सप्रेशन को लिखें देन इस एक्सप्रेशन को लिखें। तो ये क्या है जी के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, फोर कॉमन लिया बाहर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस के स्क्वायर, माइनस वन के माइनस थ्री के माइनस फोर के, बाहर माइनस है तो प्लस फोर के, माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री, क्या दिया फोर कॉमन लिया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, वैसे लिखा बाहर माइनस है तो माइनस के स्क्वायर की साइन चेंज हो गई, माइनस के माइनस थ्री के माइनस फोर के, बाहर माइनस था प्लस फोर के हो गया, ये माइनस थ्री था इस माइनस की वजह से प्लस थ्री हो गया। तो डी इक्वल टू फोर इंटू के स्क्वायर, के स्क्वायर देखें स्टूडेंट के स्क्वायर के स्क्वायर टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस फोर के प्लस फाइव के प्लस वन प्लस थ्री प्लस फोर। तो के स्क्वायर टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री के फोर के प्लस सिक्स के प्लस वन प्लस थ्री प्लस फोर। स्टूडेंट अगेन कॉमन आ रहा है, अगेन कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है टू, अगेन क्या आ रहा है देखें स्टूडेंट कि इसमें से टू कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस टू, तो डी इक्वल टू फोर टू जार एट इंटू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस टू। स्टूडेंट एक बात हमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, हमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, तो एज रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स
आर इक्वल, ये चीज हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल है, तो देयर फोर फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जैसा कि हमें दिया हुआ है रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट का जगह जीरो। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पुट करें, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट यहां पुट करें, के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस टू इक्वल टू जीरो। मैंने डी की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहां पुट की है, ये एट जीरो को डिवाइड करेगा, के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस टू इक्वल टू जीरो और एट। इसके फैक्टर्स बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के, के में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के की हाईएस्ट पावर टू है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, टू के मल्टीप्लाई करें तो टू आए, प्लस करें तो थ्री आए, टू के प्लस वन के प्लस टू इक्वल टू जीरो और एट जीरो। इनमें से स्टूडेंट क्या कॉमन आया, इनमें से के कॉमन, तो के प्लस टू, इन लास्ट टू टर्म से वन कॉमन आया, के प्लस टू इक्वल टू जीरो। अगेन स्टूडेंट क्या कॉमन आया, के प्लस टू इन टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो कर दें, के प्लस टू इक्वल टू जीरो और के प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू माइनस टू, के इक्वल टू माइनस वन, तो देयर फोर के की वैल्यू क्या आई, माइनस टू एंड माइनस वन। देखें स्टूडेंट के की टू वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमने हासिल कर ले। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ लग चुकी होगी। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितनी भी एग्जांपल्स थी उनको हमने सॉल्व किया, बहुत डिटेल में किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इन एग्जांपल की समझ लग चुकी होगी। इन एग्जांपल को हमने उसी पैटर्न पर सॉल्व किया है जिस पैटर्न पर हमने एक्सरसाइज को जो है सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं हमारे इस लेक्चर को आपको समझ लग चुकी होगी, अच्छी तरह पिक कर चुके होंगे, की पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस चैनल जो कि मैथमेटिक्स के नेम पर एक सफ़र इसका जारी है उसको भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट हमें इजाज़त दीजिएगा जी, नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।